हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज का व्लॉग है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज हमारे गांव का देवता श्री विष्णु भगवान जी का रथ जाएगा खलौटी के लिए, और आपको बताएंगे कि कैसा होता है। हमारे गांव की एक अनोखी सी परंपरा है खलौटी की, हर साल हमारा देवते का रथ खलौटी के लिए निकलता है, तो इस साल भी निकल रहा है आज, और आज का मौसम भी काफ़ी ज़्यादा साफ है। और चलिए करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। फिलहाल मैं जा रहा हूँ हमारे गाय की गौशाला तक गाय को घास देने, और उसके बाद मैं होऊंगा रेडी और फिर निकलूंगा मैं देवते के साथ खलौटी के लिए। ये है हमारी प्यारी सी कालो गाय, काफी शरीफ गाय है ये। फिलहाल मैं इसको पानी दे रहा हूँ, उसके बाद घास दूंगा और फिर निकलूंगा घर की तरफ। काफी प्यारी गाय है हमारी। तो जल्दी जल्दी से मैं रेडी हो गया हूँ और अब मैं जाता हूँ मंदिर की तरफ, क्योंकि देवते का रथ निकल गया होगा शायद, तो मैं लेट ना हो जाऊं, इसे मैं फटाफट से निकल रहा हूँ। अब मैं बिल्कुल सही टाइम पे पहुंच गया हूँ, क्योंकि अभी अभी देवते के रथ को बाहर निकाला है, और जिस स्थान पे देवते के रथ को रखा गया है इसको कहते हैं थौई। गांव के सभी लोग धीरे धीरे से इकट्ठा हो रहे हैं, बस कुछ ही देर में सभी लोग इकट्ठा हो जाएंगे, फिर आज की इस प्लॉट की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। ये है हमारे गांव के बेहद ही खूबसूरत पुराने घर। इन घरों का इस्तेमाल अब लोग रहने के लिए बहुत कम करते हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल गौशाला के तौर पे किया जाता है अभी भी। इसी तरह से देवते के रथ को पूजा जाएगा सभी द्वारा। ये है हमारे गांव का प्राइमरी स्कूल, और यहां पर भी बच्चे बाहर निकलकर बड़ी उत्सुकता से देवते के रथ को देख रहे हैं।
भगवान विष्णु जी के रथ को कुछ देर के विराम के लिए रखा गया है हमारे ग्राम देवता के जो गुर हैं उनके घर पर। यहाँ पर सभी लोग देवता को पूजेंगे और साथ में चादरें चढ़ाएंगे। यहाँ पर थी चाय और हलवा की व्यवस्था और अब यहाँ से रथ को उठाएंगे और फिर हम चलेंगे दमसो की तरफ। अब हम जा रहे हैं दमसो की तरफ। ये देखो हम भी है साथ में। हेलो, कहाँ जा रहे हैं आप? हम जा रहे हैं दमसो की तरफ। तो कामाका जी बताएं कुछ क्लॉटी के बारे में। आज भगवान विष्णु शिद्रा से निकल पड़े हैं क्लॉटी के लिए। जहाँ तक होती है और शाम को हम इधर से इसके यहीं से आते हैं, इसी रास्ते से पूरा दिन लग जाता है। जगह जगह चाय हलवा। तो क्लॉटी क्या चीज़ होती है कामा जी, बताएं कुछ क्या है क्लॉटी? पुराने जमाने में जैसे अनाज वो दिया जाता था, देवता एक तरह से पूरा राउंड लगाता था और घर घर से जो है देवते को मतलब जो बोलते हैं बोलते शकड़ू बोलते थे उसमें अनाज दिया जाता था। अच्छा अच्छा, तो वो होती थी। तो आज भी अनाज दिया जाएगा? अनाज भी दिया जाएगा, पैसे देते हैं लोग। अच्छा अच्छा, अनाज तो खत्म हो गया। अच्छा हम पहुंच चुके हैं दमसुंग गांव में और यहां पर है अभी देवते को बैठाने की व्यवस्था और यहां पर भी दिया जाएगा चाय और हलवा। इस तरह से इकट्ठा किया जाता है ये क्लॉटी का अनाज, इस बोरे में डालकर जितने भी लोग हैं वो जमा कर रहे हैं। Thank you.
जा रहे हैं हम करजां की तरफ। ये है माता दोचा मोचा जी का मंदिर और यहाँ पर बस थोड़े ही दिन पहले प्रतिष्ठा हुई है मंडार की। अब भगवान विष्णु जी का रथ गजा गांव की ओर निकल गया है करजां से और अब इसी रास्ते से अब हम जा रहे हैं गजा गांव को। ये है हमारे पंडित जी थेरू। यहाँ देखिए कितना अच्छा व्यू दिख रहा है, यहाँ से पहाड़ों पर बर्फ बहुत ही अच्छी लग रही है। आज के आखिरी पड़ाव में और यहाँ पर लॉर्ड कथा की जाएगी और उसके बाद हम निकलेंगे घर की ओर।
अब हम जा रहे हैं घर की ओर और क्लॉट का दिन हो गया है ख़त्म। काफ़ी मुश्किल हो रही है दीप्ति के रथ को ले जाने में। रथ पहुंच चुका है मंदिर परिसर में वापस एंड आज की प्रथा यहीं पे समापन होती है। आज के इस ब्लॉग को करता हूं मैं यहीं पे एंड। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे जल्द ही एक अच्छे से ब्लॉग में। टिल देन बाय दोस्तों।